ये प्रश्न में है कि स्टार के जगह पर इन चारों ऑप्शन में कौन सा रखेंगे, ये गणितीय रूप से क्या हो जाए, सही हो जाए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को ध्यान देना होगा। जैसे पहला दो क्या है, 16 और 4। ठीक है, तो 16 और 4 में डिवाइड हो सकता है, तो डिवाइड वाला 3 ऑप्शन है, तो पहले यही 3 ऑप्शन को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला ऑप्शन करते हैं हम, तो 16 डिवाइड 4 लिख सकते हैं, माइनस क्या है 5, तो क्या हो जा रहा है, 16 में 4 से भाग के तो 4 आ गया, और -5 -1 आ गया, तो यहाँ थोड़ा क्या हो जा रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। और अगर हम आगे भी जोड़ देते हैं, मान लो कि ये बराबर हो गया, गुना 14 × 6, सही नहीं ना हो रहा है गणित रूप से, इधर क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में -1, और इधर 14 × 6 = 84, तो ये सही हुआ, तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। दूसरा अभी नहीं लेंगे, क्योंकि 16 में 4 घटाना नहीं है, वो भाग करना थोड़ा छोटा होगा, आसानी चीज, तो क्या लेंगे फिर तीसरा ऑप्शन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है दूसरा भी आंसर हो, तो आपको चेक तो करना पड़ेगा, अगर तीसरा नहीं है चौथा भी नहीं है तो तीसरा ऑप्शन में देखिए, 16 में क्या लगाएंगे स्टार की जगह, पहले भाग 4 से, और फिर क्या लगाएंगे गुना इससे 5 से, फिर बराबर, फिर 14 में फिर क्या लिखेंगे प्लस 6, 14 6 कितना हो रहा है 20, 16 में 4 से भाग किए तो 4 × 5 = 20, गणितीय रूप से सही है, इसका मतलब सही आंसर कौन है।